छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का माहौल है, जिसके बाद धार्मिक गुरु बाबा रितेश्वर महाराज भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बाबा ने छत्तीसगढ़ में कृष्ण नाम की धारा मतदाता जागरण यात्रा की शुरुआत की है। जागरण यात्रा 7 दिनों तक चलेगी और लोगों को मतदान और भगवान के प्रति जागरूक किया जाएगा। बाबा रितेश्वर महाराज से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। आज हमारे साथ बाबा रितेश्वर महाराज मौजूद है, जो कृष्ण नाम की धारा मतदाता जागरण यात्रा निकालने वाले हैं, तो थोड़ा सा डिटेल बताइए उसके बारे में। जी, पहले मतदाता जागरण यात्रा निकाला था सरकार बनाने के लिए, कि सभी लोग निकल के मतदान करें, अच्छी सरकार बनाएं। अब मुझे लगता है मत दे दिया हमने, अब जब हमारा मन अच्छा होगा तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। मेरे जो इष्ट हैं उनका नाम तन मोहन नहीं है, धन मोहन नहीं है, मन मोहन है। इसलिए मैं मन को जागृत करने आया हूँ कि मन को निर्मल बनाइए तो उस मनमोहन से आपकी मुलाकात होगी। दुनिया की तरफ बहुत ज्यादा भागने से आपके समस्याओं का अंत नहीं होगा, बल्कि दुनिया बनाने वाले की तरफ भागेंगे तो आपकी समस्याओं का जल्दी अंत होगा। यही है मनदाता जागरण यात्रा जो मैं 7 दिनों से कर रहा हूँ, लाखों लोगों से मिला हूँ। देश में नागरिकता संशोधन बिल लागू हुआ है, तब से विरोध हो रहा है काफी, आप इसको क्या कहना चाहेंगे? मैं नागरिक जो संहिता कानून बनी है या जो भी भारत के हित में कानून बन रहा है, एक भारत एक कानून बन रहा है, उन सब के पक्ष में हूँ। और ये सरकार ये काम कर रही है, इसलिए मैं इस मामले में केंद्र सरकार के साथ पूर्णतः हूँ। आप अक्सर मतदाताओं को जागरूक करने का काम करते हैं, नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, तो मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं से कहेंगे, यहाँ तो 200-400 वोट से आप पार्षद बनने वाले हो, और 200-400 वोटों को खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये कहूंगा कि घर घर जाइए, लोगों से मिलिए, उन्हें विश्वास दिलाइए। पैसे से जीत जाएंगे, बाद में भी भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, ज्यादा बेहतर होगा कि उनको प्रणाम करके उनको विश्वास दिला के जीतेंगे तो 5 साल तक वो भी आपके साथ रहेंगे और अगली बार आपको हरा देंगे। तो भ्रष्टाचार मुक्त ये चुनाव हो, अच्छे लोग जीते। तो ये थी हमारी रितेश्वर बाबा से खास बातचीत, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन चोला यादव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।